हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4F से कुछ क्वेश्चंस। क्लास 7 की बुक है फ्रेंड्स, RS अग्रवाल की मैथ्स की। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। गिवन है यहाँ पे डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पहले 65/12 एंड 8/3 इसका सम फाइंड करना है और इसका डिफरेंस फाइंड करना है। इसके बाद हमें डिवाइड कर देना है, ओके फ्रेंड्स, बाय देयर डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम फाइंड करेंगे 65/12 प्लस 8/3। सबसे पहले 3 एंड 12 का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 1 जा 12, 1 × 65 यहाँ पे आ गया 65, प्लस 3 4 जा 12 एंड 4 × 8 32। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 2 7 6 + 3 9, 97/12 आ गया दोनों का सम। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ओके, 65/12 माइनस में 8/3, अगेन एलसीएम जो है आ जाएगा 12 1 जो 12 × 65 करेंगे, 1 में आएगा 65 माइनस 3 4 जो 12 एंड 4 × 8 32। इसको डिफरेंस फाइंड करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया एंड 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 33/12 आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद से हमें डिवाइड दे देना है। सो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे 65 सम और डिफरेंस 97/12 डिवाइडेड बाय 33/12। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 97/12 डिवाइड की जगह हो गया इनटू एंड 33/12 का रेसिप्रोकल। ओके फ्रेंड्स, एज वी नो 33/12 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 12/33। ओके फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, 97/12 इंटू में 12/33, 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12 ये कैंसिल हो गया। इसके बाद से हमें क्या मिल जाएगा आंसर, 97/33। ये तो फ्रेंड्स किसी से और कैंसिल होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सॉल्व किया है।